दसवीं क्लास और बारहवीं क्लास के एक्स स्टूडेंट हैं। एक्स स्टूडेंट से मतलब है जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए एनयूएस में। वो लोग अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एनयूएस जो आप लोग को डैशबोर्ड की फैसिलिटी देती है, यानी कि जो आप लोग लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाकर जो आप लोग मार्कशीट को ऑर्डर करते हो, मार्कशीट को करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ई सर्विस के थ्रू करी जाती है। और डैशबोर्ड से आप लोग जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करते हो, जो आपको TMA जमा करने का ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती है ना NUS की तरफ से 5 सालों तक मिलता है। ये चीज़ आपको पता है। जब आप लोग एडमिशन लेते हो ना, तो एडमिशन लेने के बाद आप लोग के पास एक ID कार्ड होता है। ID कार्ड के पीछे ही लिखा होता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल बाद आप लोग NUS के स्टूडेंट्स नहीं रहते हो। उसके बाद NUS की जो एग्जिस्टिंग मेम्बरशिप होती है आपकी, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो NUS के एक्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10वीं क्लास के हो, चाहे आप 12वीं क्लास के हो, बहुत पहले आपने एडमिशन लिया था और अब आप चाहते हो कि लॉगिन करो, ठीक है? तो लॉगिन तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि NUS ने क्या कर रखा है, NUS ने कह रखा है कि सिर्फ 5 साल तक हम डैशबोर्ड की फैसिलिटी देंगे, उसके बाद जो है आप लोग को लॉगिन करने के लिए कोई भी सुविधा NUS प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है? अब देखो, जो एक्स स्टूडेंट है जो लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है, एक्स स्टूडेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आपको यही समझ के चलना है कि आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं NUS में, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स के NUS में 10वीं क्लास में एडमिशन लिया था या 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था, और अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर आप ये समझो कि आप लोग लॉगिन नहीं कर पाओगे। लॉगिन आप लोग नहीं कर पाओगे, रीज़न यही है कि NUS ने आपको आई कार्ड को जब आप लोग निकालते हो वहाँ से, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हो, तो उसी समय आपको NUS बता देती है कि आप लोग NUS के 5 साल के लिए आप लोग वैलिड हो। 5 सालों तक आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। कहने का मतलब यह है कि 5 सालों तक आपको NUS टाइम देती है, 10वीं क्लास को भी और 12वीं क्लास को भी, कि आप लोग अपना 10वीं क्लास क्लियर कर लो या 12वीं क्लास क्लियर कर लो। और जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको डैशबोर्ड से मिलती है ना, ई सर्विस का हो गया, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करने का हो गया, TMA जमा करने का हो गया, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना आपको सिर्फ 5 सालों के लिए मिलती है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं NUS के 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, आप लोग यहाँ पे अगर लॉगिन करना चाहते हो ना, तो उससे पहले आप लोग को ना ई सर्विस का आप लोग को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो कैसे होता है, तो वो भी ऑनलाइन ही होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओगे। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं ना NUS में जिन्होंने 10वीं क्लास में एडमिशन लिया था, 12वीं क्लास में एडमिशन लिया था, बहुत पहले लिया था, यानी कि जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए, अगर आपको डैशबोर्ड चाहिए, अगर आपको ई सर्विस का ऑप्शन चाहिए, यानी कि मार्कशीट को आपको करेक्शन के लिए अप्लाई करना है, या मार्कशीट को वो आपको ऑर्डर करना है घर मंगाने के लिए, या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करना है, ठीक है, या फिर आपको ये आपका ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया, इसके रिगार्डिंग कुछ हो, जितने भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है उसके रिगार्डिंग आपको फैसिलिटी लेनी है, तो उस केस में आपको ई सर्विस का रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे होता है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मेन्यू पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट सेक्शन का। स्टूडेंट सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे, ये इस पर आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन खोल के आएंगे। ओल्ड स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, चेक ई सर्विस स्टेटस, TMA लेट फीस सबमिशन और TMA फीस शिफ्ट। तो यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन का जो आपको लिंक मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको देखो डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करना है, यानी कि आपको ई सर्विस का यूज करना है, एग्जामिनेशन फ़ीस आपको अपने डैशबोर्ड में से पे करना है, हॉल टिकट को डैशबोर्ड में से निकालना है, ID कार्ड को डैशबोर्ड में से निकालना है, जितनी भी आपको डैशबोर्ड में फैसिलिटीज़ मिलती है, TMA आपको डैशबोर्ड से अपलोड करना है,
तो उसके लिए ना आपको ई सर्विस का रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना होगा। कैसे करोगे, तो इस लिंक पर आओगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालोगे। रोल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आएगा। हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ना हमारा अभी 5 साल कंप्लीट हुआ नहीं है और मेरे पास कोई एक्स स्टूडेंट है नहीं। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है ना मुझसे, आप लोग मुझे कमेंट कर देना या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो, आप लोग का मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा ऑनलाइन, ठीक है, कर दूँगा। उसके बाद आप लोग, आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, यानी कि आप लोग लॉगिन कर पाओगे, आप लोग अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, आप लोग अपना मार्कशीट को ऑर्डर कर पाओगे, आप लोग अपना मार्कशीट को करेक्शन के लिए अप्लाई कर पाओगे, आप लोग अपना एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर पाओगे, आप लोग अपना TMA जमा करा पाओगे, हर चीज़ आपको जो डैशबोर्ड से पहले मिलता था सब चीज़ आप कर पाओगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है मुझसे ई सर्विस का, यानी कि डैशबोर्ड का, जो जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप लोग मुझे कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। जो फीस होगा आप लोग मुझे पे कर देना, आप लोग का मैं रजिस्ट्रेशन कर दूँगा अच्छे से, ताकि आप लोग को अप्रूवल मिल जाए आराम से और कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप लोग खुद से करोगे तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, तो मुझसे ही करवा लेना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।